हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक DIY शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैंडल का पेयर है, जो कि ये जो इसका ब्लैक पार्ट है, जो इसकी स्किन है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ये बिल्कुल पहनने के यूज़ में नहीं आती है ये सैंडल। तो इसमें मैं केवल 10 रुपीज़ खर्च करके इसको पहनने लायक बना दूंगी। तो यहाँ पर इसके लिए हमें केवल ग्लिटर पाउडर और फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और थोड़ा सा पानी लिया है। तो अब 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर इस कटोरी में फेविकॉल डाल दिया है और 1/2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, फेविकॉल और पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने जो ग्लिटर पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का ग्लिटर पाउडर लिया है, इसको मैं इस तरह से पहले कटोरी में डाल दूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर का भी ग्लिटर पाउडर मिला दिया था। अब ये देखिए मेरे सैंडल की कंडीशन किस तरह से है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेपर बिछा दूंगी। अब इसमें हमने जो फेविकॉल और पानी मिक्स किया हुआ था, वो एक ब्रश की सहायता से हम सैंडल में लगा देंगे। अच्छे से ये फेविकॉल हमको चारों तरफ से लगा देना है, जहाँ पर हमको जो भी कलर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको अच्छे से ये फेविकॉल लगा देना है और उसके बाद जो हम ग्लिटर पाउडर है वो इस तरह से हम स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे। और अच्छे से हमको उसको जहाँ जहाँ हमारा फेविकॉल लगा है तो उसमें इस तरह से हमको लगाना है, स्प्रिंकल करते हुए ही हमें इसको डालना है। और उसके बाद हमको इसको अच्छे से इस तरह से झाड़ देना है कि जो भी हमारा एक्सेस जो ग्लिटर पाउडर लगा है वो सब झड़ जाए। और इसी तरह से हमको जो भी बचा हुआ पार्ट है उसमें फेविकॉल लगाते हुए और स्प्रिंकल करते हुए ये ग्लिटर पाउडर डाल देना है। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से झाड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सभी चारों तरफ से अच्छे से डाल दिया है। अब ये देखिए मैंने ये जितना भी हमारा ब्लैक पार्ट था वो उसमें सब ब्लैक ये लगा दिया है। अब पहले इसको हम थोड़ा आधा घंटा सूखने देंगे, उसके बाद हमको यदि आपके 2 कलर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा हम आधा घंटे का रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम ये कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये पर्पल कलर लगा रही हूँ। तो अब उसी सेम प्रोसेस से पहले ये से फेविकॉल लगाया और इसको भी हम अच्छे से ब्रश की सहायता से आराम से इसको भी हम लगा करके और इसमें फिर से उसी तरह से जो भी आपको कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमको स्प्रिंकल करना है। ये देखिए यहाँ पर मेरा ये पर्पल कलर का ग्लिटर पाउडर है, उसको भी फिर से उसी तरह से ऐसे स्प्रिंकल करते हुए हमको डाल देना है और उसके बाद उसको हम इस तरह से झाड़ देंगे जो हमारा एक्सेस ग्लिटर पाउडर है। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको फिर से पर्पल कलर भी कर दिया था और उसको हमको फिर अब थोड़ी देर सूखने देना है। इसको हम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हमको सूखने देंगे। और इसके बाद बस ये देखिए केवल 10 रुपीज़ लगाकर मैंने ये जो मेरी वेस्ट पड़ी हुई सैंडल्स थी उनको फिर से रीयूज़ में मैं ले आई हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा यदि आपके पास इस तरह से पुरानी कोई सैंडल है। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।